फिटनेस टेस्ट के अंदर कौन सा खिलाड़ी कामयाब हुआ, मैं आपको बताता हूं। 2 किलोमीटर की दौड़ होती है काकुल फिटनेस कैंप के अंदर, जहां पे आजम खान बीच में ही हार जाते हैं। जी हाँ, आजम खान 1.5 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और 20 मिनट का टाइम लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी बस हो जाती है, वो उधर ही बैठ जाते हैं। इस कंपटीशन के अंदर इरफान खान नियाजी, जो कि कराची किंग से खेलते थे पीएसएल के अंदर, वो कामयाब हुए। उन्होंने 6 मिनट तो कुछ सेकंड के अंदर फासले को तय किया, नंबर वन के ऊपर वो है। फिर मोहम्मद रिजवान ने 8 मिनट समथिंग सेकंड के अंदर फासले को तय किया। मेहरान मुमताज ने भी 8 मिनट कुछ सेकंड लिए। शाहीन शाह फरीदी, मोहम्मद आमिर, शादाब खान और बाकी खिलाड़ियों ने 9 मिनट का टाइम लिया। बाबर आजम इस टेस्ट का पार्ट नहीं थे, क्योंकि बाबर आजम ने अभी तक काकोल कैंप को ज्वाइन नहीं किया, वो आज कर लेंगे। इसी के साथ साथ इफ्तिकार अहमद को फैटीक की वजह से, उन्होंने भी इस कैंप का, जिसे कहते हैं ना, इस दौड़ का हिस्सा नहीं बने थे। तो ये अभी तक का रिजल्ट है और आजम खान से 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो कवर अप नहीं हुआ। इसी के साथ साथ बात करें तो सिलेक्शन कमेटी ने चेयरमैन पीसीबी को नाम भिजवा दिया, स्क्वाड का भी भिजवा दिया, और इसके अंदर 2 कैप्टन के उन्होंने नाम लिखे हैं। जी हाँ, सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को एज कैप्टन रिप्रेजेंट करके स्क्वाड को भेजा पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के पास। इसी के साथ साथ शाहीन शाह फरीदी का भी नाम उन्होंने भेजा है एज कैप्टन। अब जो चेयरमैन पीसीबी है मोहसिन नकवी साहब, वो डिसाइड करेंगे कौन बनेगा पाकिस्तान का न्यू कैप्टन, कौन होगा पाकिस्तान का कैप्टन। बाबर आजम ने इस दफा कैप्टनसी लेनी है, तो बाबर आजम ने कंडीशन रखी है, बाबर आजम चाहते हैं वो वीक कैप्टन ना बने, वो एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन बने और उनके ऊपर दबाव ना डाला जाए। बाबर आजम ने सारी की सारी, जैसे कहते हैं ना, शॉर्टीज वगैरह अपनी रखी हुई है कि अगर मुझे कैप्टन बनाना है तो मेरा ये ऐसी ऐसी चीजें चाहता हूं। तो ये सारी की सारी चीजें कोई ऑफिशियल नहीं है, ये सारी की सारी चीजें जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त चल रही है रूमर्स के तौर के ऊपर, वो सब मैं चीजें आपको बता रहा हूँ जो कि इस वक्त की कहानी चलती नजर आ रही है कि बाबर आजम का नाम सिलेक्शन कमेटी ने कंफर्म करके पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब उनको भेज दिया, वो डिसाइड करेंगे। आपको याद होगा, मैं आपको जिससे कहता ना, थोड़ी सी चीज एक ताजा करना चाहता हूँ, वो क्या थी, वर्ल्ड कप के अंदर जब पहली दफा ऐसी फीलिंग आई थी कि शाहीन और बाबर में थोड़ा कुछ है, तो वो ये वो क्लिप था जिसको देखने के बाद ऐसे, अगर आप इस क्लिप को गौर से देखेंगे तो बाबर आजम शाहीन के पास जा रहे हैं और शाहीन ने बाबर आजम को साइड पे कर दिया हुआ है। अब इसके पीछे की क्या कहानी थी ये बिल्कुल नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो चक्कर था उन दिनों, कुछ ना कुछ तो चल रहा था। क्योंकि अगर आप और भी क्लिप्स देखेंगे उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस वैसी नहीं नजर आ रही जैसे शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्मेंस करके दिखाते होते हैं। और फिर आपको पता ही है कि वर्ल्ड कप के अंदर क्या हुआ था, खबरें भी बाहर आई थी कि खिलाड़ी आपस में, जैसे कहते हैं ना, सही तरीके से नहीं रह रहे। इवन एशिया कप के अंदर खबरें सामने आई थी कि खिलाड़ी आपस में, जैसे कहते हैं ना, लड़ पड़े हैं। तो ये सारी की सारी बातें सामने आती रहती हैं, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है आगे जाके। लेकिन फिलहाल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब के पास सारी की सारी अथॉरिटी है, वो किसको कैप्टन बनाएंगे, कौन बनेगा पाकिस्तान का न्यू कैप्टन, ये चेयरमैन पीसीबी साहब डिसाइड करेंगे। इसी के साथ साथ कल जो आईपीएल का मैच था, इसके अंदर काफी सारे रिकॉर्ड तोड़े। इसके अंदर सबसे पहला जो इतना भरा रिकॉर्ड था क्रिस गेल का, उन्होंने 175 रन की इनिंग स्कोर की थी और आरसीबी ने 263 रन किए थे, वो भी रिकॉर्ड टूट गया क्योंकि आपके जैसे कहते हैं सनराइजर हैदराबाद ने 277 कर दिए। इसी के साथ साथ जो हाईएस्ट जिसको कहते हैं ना एग्रीगेट बनता है दोनों इनिंग्स के टोटल को मिला के, वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतना ज्यादा रन स्कोर हो गए एक इनिंग्स के अंदर। तो ये रिकॉर्ड बने हैं कल आईपीएल के अंदर, शानदार किस्म के रिकॉर्ड बने हैं। आरसीबी खेल नहीं रही थी लेकिन इनडायरेक्टली आरसीबी जिसको कहते हैं ना हार रही थी। तो ये होता रहता है, ये क्रिकेट है, आईपीएल, यहाँ पे सब कुछ चलता है। अलबत्ता मैचेस बड़े मजे की ओर है, बड़ा ज्यादा जिसको कहते हैं ना एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। आज है दिल्ली वर्सेज राजस्थान रॉयल्स का मैच जयपुर के अंदर, जिस तरह से माहौल चलता जा रहा है होम टीम ही फेवरेट है, तो मैं भी होम टीम के साथ जाऊंगा। मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स इज मच बेटर साइड देन दिल्ली कैपिटल, हालांकि दिल्ली की टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है लेकिन उनका कॉम्बिनेशन अभी तक बन नहीं पा रहा है, उनको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो आई एम गोइंग विद राजस्थान रॉयल्स, मुझे लगता है आज का मैच राजस्थान जीतेगी। आपको क्या लगता है अपने जरूर कमेंट्स में बताना। अगर बात करें एक्स फैक्टर खिलाड़ियों की, तो दिल्ली की टीम में से आई थिंक के मिचेल मार्श एंड डेविड वार्नर और बॉलिंग के अंदर कुलदीप यादव। दूसरी तरफ जयपुर में जो मैच है राजस्थान का, राजस्थान टीम की अगर बात करें तो संजू सैमसन अगेन, इसी के साथ साथ जैसे भी जायसवाल और जॉस बटलर, ये 3 नाम ही काफी हैं तहलका मचाने के लिए। तो फिलहाल के लिए जल्द ही इंशाल्लाह फिर आ जाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।